एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जो दिखाई दे चुकी हैं फिल्म तनु वेज मनु में, निलबटे सन्नाटा और अनारकली ऑफ आरा में, अपनी एक्टिंग को वैसे भी काफी रिकॉग्नाइज करवा चुकी हैं स्वरा भास्कर क्रिटिकली, लेकिन किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में हीरोइन बनने का मौका उन्हें नहीं मिला है। हाल ही में वो एक नेशनल इवेंट पर मौजूद थी, दैट इवेंट वॉज अबाउट शॉर्ट फिल्म, और उनसे पूछा गया कि वो बड़े खान्स के साथ और बड़े एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हैं। इस पर स्वरा ने कहा कि वो ऑलरेडी सलमान के साथ काम कर चुकी हैं, सलमान की बहन बन चुकी हैं प्रेम रतन धन पायो में। एक बार आनंद एल राय ने भी उन्हें शाहरुख खान की माँ का किरदार ऑफर किया था। बताया जा रहा था कि शायद वो किरदार फिल्म जीरो के लिए हो सकता है, तो स्वरा भास्कर ने साफ मना कर दिया। स्वरा ने कहा कि ये मौका तब था जब हम एक पार्टी में खड़े थे और मैंने आनंद एल राय से कहा था कि मेरी सिफारिश लगा दो और मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका दिला दो। इस पर आनंद एल राय ने कहा था कि हाँ, एक रोल है शाहरुख खान की माँ का रोल, करोगी? तो इसके लिए साफ मना कर दिया था स्वरा ने। स्वरा ने कहा कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग रोल्स करना चाहती हैं, ऐसे रोल्स करना चाहती हैं जिनमें उन्हें मेहनत करनी पड़े, पसीना बहाना पड़े, और वो इम्पोर्टेंट रोल्स होने चाहिए, इसलिए उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया था। बात करें आनंद एल राय की जीरो की, तो इसमें शाहरुख खान के साथ में कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा नजर आएंगे। वहीं स्वरा भास्कर की बात करें तो वो बिजी हैं इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म के रिलीज की तैयारी में। उनकी फिल्म है वीरे दी वेडिंग, जिसमें उनके साथ हैं सोनम कपूर और करीना कपूर खान। इट्स अ ऑल चिक फ्लिक जो रिलीज होगी जून 2018 में।